श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ कि परमात्मा है या नहीं है। अब मानने वालों के लिए तो है और नहीं मानने वालों के लिए नहीं है। किसी का विश्वास है वो मानता है तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हम जो चाहें हमें मिल जाए तो भगवान है, हमें ना मिले तो भगवान नहीं है। ये बड़ी ही कच्ची श्रद्धा का विषय हुआ, लेकिन भगवान तो पक्की श्रद्धा और विश्वास है। हम कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, मैं भी बैठा था, तो ऐसे ही बात चली कि भगवान है कि नहीं है। तो एक ने कहा कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। तब दूसरे दोस्त ने कहा कि भाई एक बात बता, चल तेरे परदादा वगैरह लोग थे? तो सब ने कहा हाँ। बोले कैसे? बोले थे, तभी तो जनरेशन चलती आई और हम हुए हैं। तो वो कहता है किसी ने उन्हें देखा था? बोले नहीं, किसी ने नहीं देखा। बोले हमारे बाप दादाओं ने देखा होगा। तो बोला तुमने तो नहीं देखा? बोले नहीं, लेकिन मानते हो? बोले हाँ। बोले ठीक, ऐसे ही है। तो मुझे ये जवाब आया कि हाँ भगवान तो हैं, तो फिर हमने तो नहीं देखा, किसने देखा है? जिन्होंने देखा है उनकी आँखों से देखो। जिन संतों ने, जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण को देखा है, सूरदास जी ने आंखें न होते हुए भी भगवान को देखा है, तुलसीदास जी ने राम को देखा है, अनेक संतों ने, अनेक भक्तों ने भगवान को देखा है, श्री प्रहलाद जी ने देखा है, ध्रुव ने देखा है, तो हमें उनकी ओर से देखना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो एक सीधी सी बात है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा आदमी बन जाता है? कौन वो चीज़ है जो ऐसा करती है? प्रकृति में एक छोटा सा पौधा एक वृक्ष बन जाता है? कौन है जो सूरज को प्रतिदिन उगाता है? कौन है जो चंद्रमा को लाता है? कौन है जो पृथ्वी को घुमा रहा है? कौन है जिसके कारण ये जीवन संभव है? कौन है कि शरीर मरता है, आत्मा निकल जाती है, कहाँ जाती है? और सबसे बड़ी बात कुछ तो है, जब हम सो जाते हैं तो भी हमारा श्वास का आना जाना लगा रहता है, हमारा दिल धड़कता रहता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है, हम तो सोए हुए हैं फिर भी जीवित रहते हैं। कोई तो शक्ति है, कोई तो चीज़ है जो हमें निरंतर चला रही है। तो इस तरह से भगवान का होना ही है जो सबको कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग अजीब अजीब से तर्क देते हैं, उनके तर्क उन्हें मुबारक। एक बार एक मैंने प्रसंग सुना मुरारी बापू से, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, और शायद उनके पास एक व्यक्ति आए थे श्री कृष्णचंद्र देव, शायद यही नाम था, नाम गलत हो तो माफ़ी चाहूँगा। तो श्री कृष्ण चंद्र सेन ये व्यक्ति आए और आकर के उन्हें सद्गुरु, परम वैरागी, ज्ञानी, भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, मैं आपसे तर्क करना चाहता हूँ, मैं आपको हराना चाहता हूँ। तब रामकृष्ण जी आए और आकर के कहा कि आप बड़े ही बुद्धिमान हैं, मैं पहले ही हार मानता हूँ, मैं हारा ही हुआ हूँ, मुझे कोई तर्क नहीं करना है। तो बोले नहीं नहीं, आप तो इतने माँ काली के भक्त हैं और इतने आप जानकार हैं, मैंने सुना है आपको साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है, तो आप परमात्मा के बारे में बताइए, हमें समझाइए कि वो हैं। तब रामकृष्ण जी ने जो बात कही वो बात आप भी गांठ बांध लेना। उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा कि एक फूल है, फूल खिला हुआ है, और वो फूल इतना खिला है कि जो भी आता है उसे देखता है, देखकर उस पर मोहित हो जाता है, भंवरे उसकी ओर मंडरा रहे हैं, वो फूल खुशबू दिए जा रहे हैं,
एकदम खिला हुआ, बड़ा ही सुंदर। तब वो फूल ये कहता है कि जो कुछ है मैं ही हूं, सब लोग मुझे देखने आ रहे हैं, कोई वृक्ष तो है ही नहीं, मतलब जिसके ऊपर वो फूल लगा था, वो पत्ती, वो टहनी, वो पौधा, वो पेड़, फूल ने उसका अस्तित्व नकार दिया। जबकि सच तो ये है, बिना पौधे काहे का फूल, बिना टहनी फूल कहाँ लगे, लेकिन फूल मानने से इनकार कर देता है। लेकिन वास्तव में फूल माने या ना माने, मूल तो कोई और है। ऐसे ही हम जीव हैं। रामकृष्ण जी उनसे कहते हैं कि तू बड़ा ही बुद्धिमान है, तेरा होना ही, तू यहाँ है इतना बुद्धिमान है, तेरा इतना बोलना, इतना प्रश्न करना, तर्क करना ही उस परमात्मा का सबूत है, उसी के कारण तू इतना बोल रहा है। जब ये बात कही तो उसको धक्का लगा कि बात तो बड़ी सच है, मैं बुद्धिमान अपने ही घमंड में हूँ कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि है और भगवान नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ का मूल तो होता है। तो इस तरह से रामकृष्ण जी ने बड़ा ही फूल के द्वारा सुंदर उदाहरण दिया है। आप भी न जाने कितने अनेक उदाहरण जानते होंगे, कुछ ऐसे उदाहरण आप मुझे दीजिएगा। जैसे हवा के बारे में सभी कहते हैं हवा है, महसूस थी, लेकिन है तो हम हर क्षण ले रहे हैं, तभी तो जी रहे हैं। तो फिर एक गुरुदेव से मैंने सुना, बड़ा अच्छा याद आ गया। तो वो ऐसे ही बता रहे थे, मान लो बड़ी गर्मी का समय है और हमें पसीने आ रहे हैं, अभी गर्मी शुरू भी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, पंखा चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, और पंखा चलेगा तो हमारा पसीना सूख जाएगा, हमें राहत मिल जाएगी। ऐसे ही जब वो परमात्मा किसी सद्गुरु के माध्यम से ऐसी कृपा करता है, तभी हमें हवा लगती है और हमारा अंतःकरण हमें बताता है कि परमात्मा है, क्योंकि उसके बिना, उसके न होने से तो कुछ भी नहीं है, वो है तो ही सब कुछ है। इस जो प्रकृति को नियंत्रित किए हुए हैं, जो हिमालय को खड़ा किए हुए हैं, जो गंगा को बहाता रहता है, जो प्रतिदिन लोगों का मरना और जीना, पैदा होना, सबको नियंत्रण में किए हुए, वो परमात्मा है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जानने के लिए तो उस सागर में गोता लगाना पड़ेगा। कहा भी है ना संतों ने कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा है उसने पाया है, उसकी कृपा से अनुभव भी हो जाएगा। केवल बातों से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। तो ये पर्सन की परमात्मा है कि नहीं है, कुछ उदाहरण मुझे मिले और मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।